अस्सलाम मैंने शैतान उदीन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं तरबूज का मिल्क शेक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो वीडियो अपने एंड तक देखने, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चम्मच आपने तुख मलंगा लेना है और इसको थोड़े से पानी में भिगो देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। दूसरी साइड पे मैंने ले लिए थे तरबूज। तरबूज को मैंने बड़ी बड़ी कटिंग करके रख दी थी। अब मैं इसको क्या करूँगी कि छोटा छोटा कट कर दूँगी और इसके जितने भी बीन्स वगैरह हैं उन सबको निकाल लूँगी जी। तो कटिंग आपने छोटी छोटी कर लेनी है जी। तो मैंने एक बाउल में छोटी सी कटिंग करके ये सारे तरबूज इस बाउल में डाल दी हैं और जितने बीन्स वगैरह से वो काफ़ी सारे निकाल भी लिए थे। अब चलते हैं इसके जूस की तरफ। तो एक जग ले लेंगे, जग में मैं सारे तरबूज ऐड कर दूँगी। उसमें आपने डाल देना है चीनी। चीनी है मैंने 2 चम्मच इस्तेमाल की है, आप अपने टेस्ट के बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो तुख मलंगा मैंने भिगो के रखा हुआ था वो सारा हम शामिल कर देंगे। तुख मलंगा बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 1 कप मैं इसमें दूध डाल दूँगी। दूध डालने के बाद अब थोड़ा सा इसका कलर अच्छा करने के लिए हम थोड़ी सी इसमें जामे शीरे का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो रेड जो आपके पास कलर होता है, फूड कलर, वो भी इस मिक्स करके डाल सकते हैं या रूह अफ़ज़ा वगैरह। अब इसको अच्छी तरह से हम सारे को ब्लेंड कर लेंगे जी। अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है कि ये सारे अच्छी तरह तरीके से हो जाएं जी। तो 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद मैंने देखा तो बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीज़ें ब्लेंड हो गई थी। मैंने एक ग्लास ले लिया, ग्लास में किनारों पे भी और साइड पे भी थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा शामिल कर दिया खूबसूरती के लिए। आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई सिरप अगर आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम अपना शेक डाल देंगे। शेक बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही ज़बरदस्त बना था जी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दी, ऊपर तो मलंगा भी बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा था। एंड में मैंने छोटे छोटे तरबूज के पीस करके इसमें इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो ये गर्मियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है। आपको पता है गर्मियाँ आ गई हैं और तरबूज तो बहुत ही ज़्यादा चल गए हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ट्राई करके आपने मुझे बताना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।